या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हम नौ दुर्गा के तीसरे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के तीसरे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान माँ चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती है। माँ राक्षसों का वध करने वाली हैं। इनकी आराधना से इंसानों के सभी पाप नष्ट होते हैं। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी पूजा से व्यक्ति में विनम्रता आती है और उसका तेज पढ़ता है। तो बोलिए भक्तों, माता चंद्र घंटा की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन होता है माँ का पूजन, चंद्र घंटा माँ देती है अपने भक्तों को दर्शन। युद्ध मुद्रा में सिंह पर माता है विराजमान, भक्तों को सदा निर्भयता का देती वरदान। माथे पे घंट सार्ध चंद्र धारण करती है माई, इसी कारण से तीसरी दुर्गा चंद्र घंटा कहलाई। माता के श्री चरणों में हम शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, एक बार की बात है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य रंभ नामक असुर था। वह असुर राज था जिसके राज्य में सारी प्रजा दुखी और डर से भरी हुई थी। वह अपनी प्रजाजनों को तरह तरह के कष्ट देता था, उन पर गलत कर लगाता था। उसके राज्य में चारों ओर अशांति और कोलाहल का वातावरण था। उसकी सारी प्रजा कष्ट से पीड़ित थी और उस दैत्यराज से मुक्ति चाहती थी। तो बोलिए भक्तों, माता चंद्र घंटा की जय। एक बार की बात है भक्तों, शांति थी चहुओ, शुक्राचार्य का शिष्य रंभ था असुरों का सिरमो। उसके राज में सभी दुखी थे, सुखी न था कोई। पाप बढ़ा जब धरती पर, तब धरती माँ रोई। किसे पता था और अशुभ घड़ी है आने वाली, तब दुष्टों को संहारण हेतु आएगी मैया काली। हम शक्ति स्वरूपा नव दुर्गा को शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम
चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो असुर राजरंभ एक दिन वन में शिकार करने गया। वहाँ एक तालाब में उसने एक भैंस को जल में विचरण करते देखा। वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। उन दोनों के संबंध से एक बालक का जन्म हुआ। उस दिन अमावस्या की रात थी। बालक के जन्म के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी और आकाश से पानी बरसने लगा। रंभासुर उस बालक को लेकर अपने महल में आया। ऐसा लगता था कि वह बालक काली शक्तियों से संपन्न था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता चंद्रघंटा की जय। असुरों का राजा रंभ गया वन में करने शिकार। विचरण करती भैंस से हो गया उसको प्यार। दोनों की युति से जन्मा बालक गुंजा क्रंदन सुर। काली अमावस की रात्रि में रोया था अंबर। रंभासुर लेके बालक को अपने महल में आया। काली शक्तियों से कुपित हो भूमंडल थर्राया। यह सब देख के देवतागण बहुत डर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रंभासुर ने दूत भेजकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया। दैत्य गुरु खबर पाकर रंभासुर के राजमहल आए। वहां उन्होंने उस बालक को देखा और आंख बंद करके ध्यान लगाया। कुछ समय उपरांत उन्होंने आंखें खोली और बोले कि हे रंभासुर, इस बालक में असुर और महिष दोनों की युति है। इस कारण यह बालक जब चाहे तब असुर या महिष दोनों रूपों को धारण कर सकता है। यह अति बलवान होगा। यह ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त होगा। इसका नाम महिषासुर होगा। तो बोलिए भक्तों, माता चंद्रघंटा की जय। दूत भेज कर शुक्राचार्य को रंभासुर ने बुलाया। दैत्य गुरु ने आंख बंद कर तब है ध्यान लगाया। रंभासुर इसमें असुर और महिष की है छाया। जब चाहे धारण कर सकता है दोनों काया। तीनों लोक का राजा बनेगा दैत्य गुरु ने बताया। महिष युति से जन्मा असुर महिषासुर कहलाया। भक्त बड़ा होगा ब्रह्मा का यह बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महिषासुर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, परंतु अत्याचार के मामले में अपने पिता रंभासुर से भी दो कदम आगे था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। मनुष्य असुर तो छोड़िए, उसके स्वभाव से साधु संत भी परेशान हो उठे। सबके सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। कुछ दिन बाद रंभासुर की मृत्यु हो गई और उसी मृत्यु के उपरांत महिषासुर राजगद्दी पर बैठा। अपने बल के घमंड में वह सारी मर्यादाएं लांघ गया था। तो बोलिए भक्तों,
माता चंद्र घंटा की जय। जैसा नाम था महिषासुर का वैसा करे वह काम, उसके अत्याचार से मच गया जगत में त्राही मां। क्या मानव क्या साधु संत सबको करे परेशान, विकट समस्यान पड़ी कोई ना था समाधान। रंभासुर के बाद बना वो असुरों का महाराजा, बल के मद में चूर होकर वो भूल गया था मर्यादा। अति बलशाली असुर राज से सब थर्राते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सभी देवों से एक दिव्य ज्योति निकली जिसने 10 भुजी स्त्री का रूप धारण किया। सभी देवों ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की और उनको अपना अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र तो इंद्र ने अपना ब्रज माता को प्रदान किया। माता चंद्र घंटा सभी तरह के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महिषासुर के मान मर्दन को चली। तो बोलिए भक्तों, माता चंद्र घंटा की जय। सब देवों से ज्योत निकल कर रूप किया एक धारण, भई प्रगट आदि जगदम्बा करने को कष्ट निवारण। सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र तब माँ को किया प्रदान, हाथ जोड़ कर कहने लगे है माँ कर दुख का निदान। अम्बे भवानी है कल्याणी नमन है बारंबार, महिषासुर के कारण माते कुपित है ये संसार। दुष्ट के प्राण हरण को माँ हम तुम्हें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, जब यह महिषासुर को एहसास हो गया कि वो आदि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा से युद्ध कर रहा है, तब वह माता के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माता से कहा कि हे माँ, आपके हाथों मरकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माँ ने महिषासुर को अपने साथ ही पूजन का वरदान दिया। इस प्रकार एक असुर भी अंत समय में सद्बुद्धि को पाकर अमर लोक को गया। भक्तों, माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को संसारी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें, साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि में माँ के इस रूप को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। तो बोलिए भक्तों, माता चंद्र घंटा की जय। माँ की शक्ति का महिषा को हो गया जब एहसास, हाथ जोड़ कर तब आया माँ दुर्गा के पास। ना पहचान पाया माँ तुझको, अब करो बेड़ा पार।
हाथों वध हो मेरा तब होगा उद्धार। ऐसा ही होगा महिषासुर बनेगा सायुज भोगी, मेरे साथ तेरी भी सदा इस धरा पर पूजा होगी। इसी कारण से हम सभी विजय दशमी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम चंद्र घंटा माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।